नेक्स्ट टॉपिक इज़ एप्लीकेशन ऑफ पार्टीशन मेथड इक्वेशन सॉल्विंग। हमारे पास कुछ इक्वेशंस गिवन होंगे, उसको हमें सॉल्व करना होगा और कुछ इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने होंगे। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्टीशन मेथड से कर सकते हैं। ओके, देखते हैं कैसे। क्वेश्चन से सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4 स्टेप से डॉट डॉट डॉट, ये सारे जो नंबर है बेसिकली होल नंबर, जितने भी होल नंबर से वो सारे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल नंबर्स होते हैं। किस इक्वेशन का? तो इस इक्वेशन का, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10। अच्छा, इसका सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या है? देखो, बेसिकली ये हो सकता है कि एक्स भी 0, वाई भी 0, जेड 10, ये 0, ये 1, ये 9, ये 0, ये 2, ये 8, या ऐसा भी हो सकता है ये 2, ये 3, ये 5, ऐसे करके रैंडम बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कहाँ से रिलेट कर सकते हैं? तो सबसे पहला एग्जांपल मैंने जो दिया था बैगर्स वाला, कि हमारे पास कितने बैगर हैं, 3 बैगर्स हैं, 10 1 रुपीज़ कॉइन है, और उसको इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बेसिकली ये क्वेश्चन रिड्यूस हो गया वहीं पे, कि तुम्हारे पास एक्स वाई जेड 3 बैगर्स हैं और तुम्हारे पास 10 रुपीज़ कॉइन है। इस तरीके से 10 रुपीज़ कॉइन को पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ताकि सबको कुछ ना कुछ, या फिर हो सकता है कुछ नहीं मिले, नो रिस्ट्रिक्शन के साथ बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका तो हमें पता है क्या? तो 10 ऑब्जेक्ट हैं, 3 लोग हैं, तो 10 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 आंसर होना चाहिए। सो दिस शुड बी इक्वल टू 12 सी 2। सिंपल, जिनको भी नहीं समझ में आए वो फिर से सोचें। हमारे पास क्या गिवन था? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10 का नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए था। तो मैंने ये बोल दिया कि एक्स वाई जेड अपने पास 3 बैगर्स हैं और 10 कॉइन है एग्जैक्टली अपने हाथ में, उनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो कि कुछ किसी को कोई मिले ना मिले, बस तुम्हारी कंडीशन ये है कि सारे के सारे कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तुम्हें। तो मैंने क्या किया, किसी भी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ मैं। एक को ही 10 दे सकता हूँ, बाकी को 0, एक को 0 दे सकता हूँ, एक को 1 दे सकता हूँ, एक को 9। तो बेसिकली कोई भी पॉसिबिलिटी, जो भी पॉसिबिलिटी आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन के, वो सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो बस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो निकालने हमें आता ही था, एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अभी देखो, नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में थोड़ा सा डिफरेंस है। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब क्या क्या? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, इस टाइप के सॉल्यूशंस चाहिए। ओके, मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि मिनिमम वैल्यू दे दिया, कि एक्स को मिनिमम कितना मिलना चाहिए? एक तो मिलना ही चाहिए, वाई को भी मिनिमम एक मिलना ही चाहिए, और जेड को भी मिनिमम एक मिलना ही चाहिए। तो ये क्वेश्चन किस पे रिड्यूस हो गया अगर देखा जाए? तो मैं बोलूँगा क्वेश्चन ये बन गया कि सपोज़ तुम्हारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, उनको तो 10 ऑब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे पास आइडेंटिकल, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है इस तरीके से कि सबको कम से कम एक ऑब्जेक्ट्स मिले। तो तुम क्या बोलोगे कि पहले मैं एक एक दे दूंगा 10 ऑब्जेक्ट्स में से, तो मेरे हाथ में कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे? 7 बचेंगे। उस 7 को मैं तीनों में रैंडम कुछ भी बांट दूंगा। तो 7 को रैंडम 3 में बांटने का तरीका कितना होता है? तो 7 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 9 सी 2। ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। तो ये तो हमने पार्टीशन मेथड से सोच लिया, इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो हमें एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन कब लगता है? जब नो रेस्ट्रिक्शन हो, किसी को 0 मिले, किसी को कुछ भी मिले। तो क्या इस एक्स वाई जेड वेरिएबल को चेंज करके नया वेरिएबल डिफाइन किया मैंने? मैंने बोला सपोज एक्स इज इक्वल टू सम न्यू वेरिएबल t1 प्लस 1, एंड वाई इज इक्वल टू सम न्यू वेरिएबल t2 प्लस 1, एंड जेड इज इक्वल टू न्यू वेरिएबल t3 प्लस 1। अभी देखो, एक्स का वैल्यू मिनिमम कितना होना चाहिए? 1। इसका मतलब t1 का वैल्यू मिनिमम कितना होना चाहिए? 0। देयर फोर t1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वाई का मिनिमम वैल्यू 1 होना चाहिए, सिमिलरली t2 का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए? 0। जेड का मिनिमम वैल्यू 1 होना चाहिए,
सिमिलरली T3 का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो। ओके, तो अब हम इस तीनों को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल गेट T1 + 1, T2 + 1, T3 + 1 इज इक्वल टू 10, और वी कैन से डैट T1 + T2 + T3 इज इक्वल टू 7। अब ये जो इक्वेशन है, इसके नंबर्स ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं। क्यों? क्योंकि मिनिमम इनमें जीरो भी हो सकता है। जब मिनिमम जीरो हो सकता है तो फार्मूला हम लोग इजीली लगा सकते हैं। क्या? कि हमारे पास टोटल 7 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो नंबर ऑफ वेज होने वाला है 7 + 3 - 1, C3 - 1, दिस इज अगेन 9C2। तो अगर मैथमेटिकली करना है तो ऐसे कर सकते हैं, थियोरेटिकली करना है तो ऐसे कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। फिर से वही इक्वेशन है, x + y + z इज इक्वल टू 10। इस बार कंडीशन चेंज कर दिया गया, x का मिनिमम वैल्यू 1 होना चाहिए, y का मिनिमम वैल्यू 2, z का मिनिमम वैल्यू 0। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन गया कि हमारे पास तीन बैगर्स हैं, x, y एंड z। 10 ऑब्जेक्ट को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो ताकि x को मिनिमम 1 मिले, y को मिनिमम 2 मिले, z को मिनिमम 0 मिले। तो मैं क्या बोलूँगा, x को 1 पहले ही दे दिया, y को 2 पहले ही दे दिया। अब मेरे हाथ में कितने ऑब्जेक्ट्स बचे होंगे? तो मैं बोलूँगा टोटल 7 ऑब्जेक्ट्स बचे होंगे। 7 ऑब्जेक्ट्स बचे हैं और मुझे तीन लोगों में अब रैंडम बांटना है। तो 7 ऑब्जेक्ट्स को तीन लोगों में रैंडम बांटने का तरीका होता है 7 + 3 - 1, C3 - 1, डैट इज 9C2। ओके, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, इसको मैथमेटिकली कैसे कर सकते हैं? तो मैं फिर से क्या करूँगा, न्यू वेरिएबल डिफाइन करूँगा। कैसे? तो मैं बोलूँगा सपोज x इज इक्वल टू T1 + 1, तो यहाँ पे T1 का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। y इज इक्वल टू T2 + 2 करूँगा, तो T2 का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। एंड z इज इक्वल टू z ही रहने दूंगा। क्यों? क्योंकि z का तो मिनिमम वैल्यू ऑलरेडी 0 है। बस इसको सब्स्टिट्यूट किया उस इक्वेशन में, जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा T1 + 1 + T2 + 2 + z इज इक्वल टू 10। देयर फोर T1 + T2 + z इज इक्वल टू 7। फिर से क्वेश्चन कहाँ से रिड्यूस हो गया, कि तीन लोग हैं, मिनिमम 0 ले सकते हैं, सात ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितना तरीका होगा? 7 + 3 - 1, C3 - 1, दिस इज अगेन 9C2। तो ये भी एक मैथमेटिकल वे है। अच्छा, जब हम लोग थियोरेटिकली कर ही ले रहे हैं तो ये मैथमेटिकल करने का क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, आगे पता चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। फिर से x + y + z इज इक्वल टू 10। कंडीशन इस बार देखो, जब तुम कंडीशन देखोगे, बोला गया x ग्रेटर देन -1। अच्छा, इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए और ग्रेटर देन -1 चाहिए, तो ये तो हमें उल्लू बनाया है। इसने डायरेक्टली ये बोला है कि x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि -1 से बड़ा सबसे पहला इंटीजर कौन होता है? 0 होता है। चलो, यहाँ से तो हम लोग बच गए, z से भी बचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि मिनिमम 2 दे देंगे, लेकिन y में फंसे। y में कैसे फंसे? जब इस बार थियोरेटिकली हम लोग पढ़ने बोलने जाएंगे तो y को -1 ऑब्जेक्ट दो, ये कोई सेंस बनता नहीं है ना। y को मिनिमम 1 दो, मिनिमम 2 दो, z को मिनिमम 2 दो, ये सब सेंस बनता है, लेकिन y को मिनिमम -1 ऑब्जेक्ट दो, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है थियोरेटिकली। तो इसलिए यहाँ पे हमने मैथमेटिकल वे चूज़ किया। मैंने बोला x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, x को x ही रहने दिया। y में क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो y को क्या रख दिया? T1 - 1। अब यहाँ पे अपने आप T1 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और z को क्या रख दिया? T2 + 2, तो यहाँ पे अब T2 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीनों को सब्स्टिट्यूट किया तो x तो x ही है, y है T1 - 1, z है T2 + 2 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से आ गया x + T1 + T2 इज इक्वल टू 9। ओके, अब देखो कंडीशन बहुत सिंपल हो गया कि मेरे पास तीन
बेगर्स हैं एक्स टी वन टी टू, तीनों कुछ भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं, वन भी ले सकते हैं, नाइन तक कुछ भी ले सकते हैं, और नाइन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है या नाइन कॉइन्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसका आंसर कितना आ जाएगा? तो मैं बोलूँगा 9 + 3 - 1, सी 3 - 1, ओके दिस इज इक्वल टू 11C2। ये वाला चीज़ हमें समझ में आना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन कर कैसे रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। ओके इस बार इसने बोल दिया कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बार इक्वेशन में क्या दिया है? लेस देन इक्वल टू, मतलब तीनों का सम लेस देन और इक्वल टू 10 आना चाहिए। मतलब इस बार जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 10 कॉइन्स, उसके पास ऑप्शंस है। वो यहाँ हो सकता है वो 10 के 10 कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, हो सकता है उसने 9 कॉइन्स को ही डिस्ट्रीब्यूट किया, हो सकता है उसने 8 कॉइन को ही डिस्ट्रीब्यूट किया, या हो सकता है उसने डिस्ट्रीब्यूट ही ना किया। तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो एक मेथड तो यही हो सकता है, केस बनाओ कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 10 भी हो सकता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 9 भी हो सकता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 8 भी हो सकता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 7 भी हो सकता है, इसी तरीके से एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 भी हो सकता है। ओके तो पहले वाले का आंसर कितना आएगा कि 10 ऑब्जेक्ट्स को तीन लोगों में डिवाइड करना है, तो 10 + 3 - 1 C 3 - 1 दैट इज 12 C 2। इसमें क्या आएगा? 9 + 3 - 1 C 3 - 1 डेट इज 11 C 2। इसमें कितना आएगा? 10 C 2। इसमें कितना आएगा? 9 C 2। ऐसे ही लास्ट वाले में कितना आएगा? तो मैं बोलूँगा 2 C 2। ओके तो ये जो होगा फाइनल आंसर अपना, तो इन सब का सम होगा। जब सम निकालोगे तो एक फार्मूला पढ़ाया गया था बाइनोमियल थ्योरम में, डेट इज KCK K+1 CK से लेके NCK तक गए, तो फाइनल आंसर होता है N+1 CK+1। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखो 2C2 + 3C2 + 4C2 से कहाँ तक गए? 12C2 तक। तो फाइनल आंसर कितना होगा? 13C3। ये तो एक मेथड आ गया, 13C3 केसेस बनाए हमने और फाइनल आंसर आ गया। मैं जो एक मेथड बताना चाह रहा हूँ वो बहुत ही बढ़िया मेथड है, उसको देखो ध्यान से। इसने क्या बोला कि तीन मेंबर्स हैं एक्स वाई जेड, इसको मैंने शायद डिस्कस भी किया था एक बार कि सबको मिनिमम एक मिलना चाहिए स्टेप से, तो मैंने एक बॉक्स रख दिया। मैंने ये बोला कि एक्स वाई जेड और एक खाली बॉक्स। अब ऐसे सोचो कि बेसिकली तुम्हारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको तुम्हें चार लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब या तो तुम एक्स को दोगे, या तो वाई को दोगे, या तो जेड को दोगे, या नहीं तो बॉक्स में डाल दोगे। अगर बॉक्स में तुमने एक डाल दिया सपोज, तो तुमने क्या बोला कि मैंने कितने ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए? 9। अच्छा, बॉक्स में अगर एक भी नहीं गया तो तुम क्या बोलोगे? मैंने कितने ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए? 10। बॉक्स में अगर तुमने 2 डाल दिए तो तुम बोलोगे मैंने 8 ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किए। अगर 3 चले गया बॉक्स में तो 7 को डिस्ट्रीब्यूट किए। तो दिख रहा है हमारा जो ये केस है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8, ये सारे केसेस इसमें आ जाएंगे अपने आप। तो मैं बेसिकली क्या बोलूँगा, मेरे पास अब 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, चार लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तरीका कितना होना चाहिए? 10 + 4 - 1 C 4 - 1, सो दिस इज 13 C 3। जिसको भी ये नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखो मैंने क्या बोलने का कोशिश किया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 2y + z = 1। वाह, इस बार सिमेट्रिक तो है ही नहीं। इस बार x और y कितना है? 2y। मतलब जो भी x y z में होगा इस बार y दोगुना बना देगा उसको। ओके जब इस टाइप का हो, सिमेट्रिक ना हो इक्वेशन, तो हम लोग हमेशा जो वो लिखते हैं सॉल्यूशन n + r - 1, उसमें सिमेट्रिक होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, तो सिमेट्रिक नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा, वाई प्रॉब्लम दे रहा है तो वाई पे केस बना दे, स्टार्ट कर दो। वाई का वैल्यू 0 ले लिया, जब वाई 0 होगा तो x + z = 20। इस केस में कितने आंसर्स आएंगे? तो मैं बोलूँगा 20 ऑब्जेक्ट्स को दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 20 + 2 - 1 विच इज़ 21 C 1। ओके
अगर वाई का वैल्यू 1 हुआ तो एक्स प्लस जेड का वैल्यू कितना आएगा? मैं बोलूँगा एक्स प्लस जेड का वैल्यू आएगा 20 - 2, डेट इज़ 18। तो इस बार आने वाला है 19 C1, 18 + 1 19 C1। ओके, जब y का वैल्यू 2 रहेगा तो x प्लस जेड का वैल्यू कितना आएगा? तो मैं बोलूँगा x प्लस जेड का वैल्यू आएगा 20 - 4, 20 - 4 इज 16। तो इस टाइम पर आंसर आने वाला 17 C1। अच्छा, y का वैल्यू 3 रखेंगे तो x प्लस जेड का वैल्यू कितना आएगा? तो मैं बोलूँगा 20 - 6, डेट इज 14। सो इस टाइम पर आंसर आएगा 15 C1। ओके, ऐसे करके कहाँ तक जाएंगे? y का वैल्यू मैंने अगर 10 रख दिया, सपोज y का वैल्यू 10 रख दिया, तो x प्लस जेड का वैल्यू कितना? 0। इसके बाद क्या केस बनेगा? बोलूँगा नहीं। ओके, तो क्योंकि इसके बाद अगर y का वैल्यू 11 हो जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा x और z को, लेकिन नेगेटिव चाहिए नहीं हमें। तो x प्लस जेड इस टाइम पे कितना आएगा? 1 C1। तो फाइनल आंसर कितना आने वाला है? सारे केसेस को हम लोग ऐड कर देंगे तो 21 C1 इज बेसिकली 21, दिस इज 19, दिस इज 17, दिस इज 15 एंड लास्ट वाला इज 1। तो बेसिकली हमें ऑड नंबर्स का सम निकालना है 21 तक। तो 1 + 3 + 5 + 21 तक का सम, बस ये आंसर।